अक्सर लोग ये समझते हैं कि पंजेरी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाई जाती है और खाई जाती है। ऐसा नहीं है, ये हर उम्र के अफराद के लिए ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर है। आज के मिलावटी दौर में ये एक बेहतरीन, बगैर कोई प्रिजर्वेटिव्स के, ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट फूड सप्लीमेंट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल सीजंस। हर उम्र के लोग फैज़ पिस्ता पंजेरी हर मौसम में खा सकते हैं। फैज़ पिस्ता पंजेरी एंड ऑर्गेनिक वर्सेटाइल एंड हेल्दी फूड सप्लीमेंट। फैज़ पिस्ता पंजेरी का ये नायाब तोहफा एक कॉल पर आपके घर पर सैयद इम्तियाज जलील, आगे बढ़ो सैयद इम्तियाज जलील, आगे बढ़ो सैयद इम्तियाज जलील, आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंबई लो मैं आ गया। मुंबई लो मैं आ गया। मेरे खायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फैयाज खान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे एमएलए फारूक शाह साहब स्टेज के ऊपर मौजूद, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमारी माएँ और बहनें, वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए कह रहा हूं मुंबई लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट, ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी अभी दहाड़ना बाकी है। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 225 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना, तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि मैं अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करता है। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब,
किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूँ, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके। आपको मैं ये बताऊं कि ये जब प्रोग्राम हमने लेने का तय किया था तो हमने लोगों से ये बताया कि ये हमारी सियासी जमात का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, और अब तो शिवसेना भी मुसलमानों की बात करती है, उनके भी नेताओं को हमने कहा कि एक मर्तबा हम लोग क्या अपने कौम के साथ हो रहे नाइंसाफियों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हमें उन मराठा भाइयों से सीखना नहीं चाहिए कि जिन्होंने जब अपने रिजर्वेशन के लिए सड़कों के ऊपर आंदोलन किया तो शिवसेना का मराठा हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, ये पूरे के पूरे मैदान के में उतरे तो अपनी सियासी जमात का मफलर पहनकर नहीं उतरे, वो मराठा बनकर वहां पर उतरे। लेकिन हमने जब यही पैगाम, यही इन्विटेशन सभी हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने दिया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत इज्जत के साथ हमने इन लोगों को न्योता दिया, इनविटेशन दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। लोगों ने कहा कि क्या कर लेंगे आप, रिजर्वेशन का तो इतना पुराना मामला है, वक्त की जमीनें अब कहां बची है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन के वक्त एक बात कही थी, दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, और जब ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं तो उसका नतीजे कैसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही एक नतीजा आपके सामने आज आपका बेटा, आपका भाई खड़ा हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ मेहनत की, इसीलिए जब लोगों ने मुझसे, पत्रकारों ने कहा कि आप भाषण में असद साहब क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, तो अब हम सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो स्क्रीन लगाए हैं ना, दो स्क्रीन लगाए हैं, इनको आज उधेड़ने भी वाले हैं, उस स्क्रीन के जरिए दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस कौम का खेल खेला जाता है। उनकी ही जबानी दिखाने वाले हैं कि इस कौम को किस तरह से एक खिलौना बनाकर रखा गया है, एक रबर स्टैम्प की तरह रखा गया है। इलेक्शन आया, आ जाओ फिर अपनी गलियों के अंदर मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आ जाओ, सपने दिखाओ कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे,
इलेक्शन आया, जीत गए, खत्म हो गई बात, हमारा जिक्र भी नहीं होता है। लोगों ने कहा यही वक्त आपने क्यों चुने। एक पत्रकार साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे। मैंने कहा 100% नहीं, 200% राजनीति कर रहे हैं हम। और यही वक्त क्यों कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव है, दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर यही लोग आने वाले हैं। आज जो लोग औरंगाबाद से या पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, हमने किसी को गाड़ी नहीं दी, किसी की गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा, किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तादाद के अंदर अगर नौजवान बुजुर्ग निकलकर आए तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे आने वाले मुस्तकबिल से यह ताल्लुक रखता है। कहां है वो 93,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र की, 93,000 एकड़ जमीन कहां है वो, किसने किसको बांटा है, किसने किसको बेचा है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने हो गए हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदस्य हुए, मेंबर बने हुए। इन 8 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 FIR रजिस्टर करवाया हूं मैंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 9 FIR। बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ FIR, जो सोचते थे कि हमें कौन रोक सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं और खरीदे हैं। उनके अंदर डर नहीं था, खौफ नहीं था, वो सोचते थे कि हमारा कौन बाल बाका कर सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं। उन्हें क्या मालूम है कि बाजारों के अंदर कुत्ते के बच्चे बिकते हैं। बाजार में खरीद सकते हैं, बाजार में क्या नहीं खरीद सकते। एक है स्टेज पे, ओरिजिनल एक ही है, बाकी हम छोटे छोटे हैं। असद भाई को देख के अल्हम्दुलिल्लाह पहले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे ये अकेले है, इतना बोलते। और अब ये भी आ गया, अरे बाबा बाबा बाबा, ये तो बहुत ही बोलता है बोले। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखती है, पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई एक जानबाज पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर हमारी हक की आवाज वहां पर बुलंद करता है, यह अल्लाह का फजल व करम है। उसी मेरे खायत के बाजू जाकर बैठने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है आप लोगों की दुआओं की वजह से। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर जब लोग कहते थे कि ये तो सिर्फ हैदराबाद की एक ही जमात है, हैदराबाद तक महदूद है, ये एक के दो नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक के दो हो गए, दो के चार होंगे, चार के छह होंगे, छह के आठ होंगे और 8 के 10 भी हो गए, बशर्ते हमें जिस नेक नियति के साथ, जिस एक जहीती के साथ काम करने की जरूरत है, अगर उस तरह अगर काम करे, मैं तो मुंबई के नौजवानों के अंदर जो जज्बा और जो जोश देखता हूं, कभी कभी असद साहब को ये दिल बोलना चाहता है कि असद साहब मुंबई मेरे हवाले कर दीजिएगा, देखिए मुंबई की कैसे काया पलट कर देता हूं।
कर रहे हमारे फयाज भाई भी काम कर रहे हैं, वारिस भाई भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज ये देखना होगा कि हम सिर्फ ओहदा लेंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने से हमने कहा था कि आपको आना है, कुछ लोगों ने बहाने बनाए। मैंने जब मीटिंग लिया तो एक ने कहा मैं 40 गाड़ी लेकर आ रहा हूं, आखिर में लाया 4। एक ने कहा 20 गाड़ियों का तो नंबर लिख लो साहब, लाया 3। घर को जाना पड़ेगा भैया, काम करोगे तो टिकोगे, नहीं करोगे तो आपको भी जाना पड़ेगा। और ये फैसले हमको अपने पार्टी के हक के अंदर लेने पड़ेंगे। जो काम करेगा वो मजलिस के अंदर आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसको घर में जाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जब जज्बा और जोश देखते हैं नौजवानों के अंदर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर औरंगाबाद से एक एमपी चुनकर आ सकता है तो मुंबई से हम 4 एमएलए क्यों नहीं चुनकर ला सकते हैं। बशर्ते एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है, हमारे आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने की जरूरत है। और अगर हम वो कर पाए तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन कहीं पर है तो वो मुंबई के अंदर है, जहां पर हम बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जब हमने निकलने का फैसला किया, पूरी तैयारी हो गई। और हां, मैंने जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, मैं ये समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अगर यहां पर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की मेहनतों की वजह से हो रहा है कि पिछले इतने दिनों से वो यहां पर आकर बैठे और बैठकर उन्होंने जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था वो काम किया। वरना ये आलम है हमारा कि पुलिस ने कहा नहीं करना, नहीं करेंगे, ठीक है साहब नहीं करेंगे, ये मजलिस में नहीं चलेगा। ये मजलिस में कतई नहीं चलेगा। इसीलिए जब अलग अलग जगह के ऊपर हमको रोका जा रहा था तो मुझे मालूम था कि पुलिस को तो बेचारे सामने कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं जिनके अंदर ये डर और खौफ पैदा हो चुका है मजलिस की वजह से कि ये जो बैठे हैं ये तो हमारी जागीर थी, ये हमारे अलावा कहां जा सकते हैं। इनको डर दिखाओ कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, हम सेक्युलर है हमको दो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब ये कौम भी बेदार हो चुकी है और इसमें भी वो हिम्मत आ चुकी है कि कल तुमसे ये सवाल करेगी कि जिस मुंबई हाईकोर्ट ने 2014 के अंदर तमाम दस्तावेज देखे, एम्पिरिकल डेटा जिसे कहते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से देखा, पढ़ा समझा, तब अदालत ने ये फैसला लिया, आदेश जारी किया गया कि मुसलमानों का एजुकेशन का परसेंटेज इस राज्य में, इस मुल्क के अंदर सबसे कम है। क्या वजह है कि आज हमारे बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद भी ये सरकार, ये हुकूमत हमें ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है?
मैं और वारिस पठान 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमएलए थे। उस वक्त कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए खड़े रहते थे और लड़ते थे बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और शिवसेना से लड़ते थे और ये मांग करते थे कि अदालत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना नहीं चाहती है कि इनकी तरक्की हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, अदालत ने बोला है। इतने जोरदार भाषण करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कितने हमदर्द है मेरे कौम के। 2019 के बाद तख्ता पलट गया, अब हुकूमत में आ गए हैं। विरोध में जब थे तो उस भारतीय जनता पार्टी और उस शिवसेना से मांगते थे जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क का मुसलमान तरक्की करे, तालीम हासिल करे। लेकिन आज सत्ता के अंदर अगर तुम बैठे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अगर तुम जाकर बैठे हैं, तो तुम्हें वहां पहुंचाने के अंदर यही हमारे गयूर मुसलमानों का हाथ है कि तुम वहां पर जाकर बैठे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही तेवर बदल गए, दो साल से कोई जिक्र नहीं। हमने इंतजार किया कि आप कुछ फैसला करेंगे तब करेंगे, लेकिन नहीं, जब हमने ये ऐलान किया कि अब हम आएंगे तुमसे सवाल करने के लिए, तो क्या किए? पुलिस वालों को आगे कर दिया, बोले रुकाओ इनको, कैसा तू भी रुकाओ करके। तो मैंने उनको बोला सरकार हमसे डरती है, इसीलिए सरकार हमसे डरती है इसीलिए पुलिस को आगे। लेकिन यकीन मानिए, आप अपना काम कर रहे थे, हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसके अंदर खेल खेल रहे थे कि हम आना नहीं करके कैसी कैसी साजिशें रची जा रही थी। मैं वो तमाम नौजवान जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, मैं उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज अगर हम यहां तक पहुंचे तो सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला नहीं था। जब मुझे रोकते थे तो वो देखते थे कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी तादाद और कितनी बड़ी ताकत खड़ी हुई है। हद तो ये हो गई कि वाशी के पास जब हम आए नवी मुंबई में, अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है तो सुनिए साहब, हमने अपनी किसी भी गाड़ी के ऊपर हमने अपनी पार्टी का झंडा लगाकर नहीं लाए, हमने कोई हरा नीला पीला भगवा झंडा लगाकर नहीं आए, हमने हमारे इस मुल्क के तिरंगे को हमारे गाड़ियों के ऊपर लगाकर हमने तिरंगा रैली बोलकर लेकर आए। उस तिरंगे का जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है। लेकिन वाशी में हमारी जैसी ही गाड़ियां रोकी गई, इतनी पुलिस थी वहां पर, इतनी पुलिस थी कि मुझे ये शक होने लगा कि मैं खासदार हूं या कोई आतंकी हूं जो इसके लिए इतने सारे लोग मेहमान मेरे इंतजार में यहां पर खड़े हुए थे करके। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस वालों ने हमको आदेशित किया और कहा कि हम आपको आगे जाने देंगे, आप अपने गाड़ियों से ये तिरंगा निकाल दीजिए। ये वाशी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, मीडिया वाले भी वहां पर थे, उनके सामने हमें यह कहा गया कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा निकालिए, अपनी गाड़ी में रखिए और आप आगे जा सकते हैं।
मैंने तिरंगा निकाला, गाड़ी से खुद नीचे उतरा और मैंने कहा कि गाड़ी तू रख, मैं पैदल जाऊंगा लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ूंगा। और जब मेरे पीछे मेरे नौजवानों ने अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर हम रोड पे चलने लगे, तब पुलिस वालों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। फिर बोले जाओ आगे मुंबई। बस यही हमारा था कि ये रुकावटें क्यों और किस वजह से की जा रही है। इलेक्शन आएगा, जब भी आएगा, जिस किसी को जिस जमात के अंदर जाना है, जिसका झंडा पकड़ना है, किसका मफलर पहनना है, ये आपका इख्तियार है। लेकिन एक मर्तबा हम सबको मुसलमान बनकर सड़कों पर उतरने की जरूरत रहेगी मेरे भाइयों। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि क्या होगा 5% रिजर्वेशन से, क्या नहीं होगा। 93,000 एकड़ जमीन अगर वक्फ की अगर हम मुसलमानों को वापस मिल जाती है तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, कांग्रेस के नेता, मैं आपको ये जबान देकर जाना चाहता हूं कि तुम वो 93,000 एकड़ वक्फ की जमीन हमको लौटाओ जो हर साल मुसलमानों को 300-400 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट देते हैं। वो बजट नहीं देना, 300 करोड़ तो खैरात में हम तुम्हें दे डालेंगे। वो जमीनें हमारा हक है और इसके लिए एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आज छोटी सी एक झांकी दिखाए, थोड़े परेशान हो गए फयाज भाई। महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है, अब एक धरना जो है, जब इनका अधिवेशन रहेगा, जब ये अंदर बैठेंगे तो इनकी बजाने के लिए हम लोग बाहर खड़े रहेंगे। बहुत डरते हैं ये, जब अंदर बैठते हैं और उनको पता चलता है कि आ गए ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये कौम निकल कर आ गई है, अपनी वाट लगने वाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने आप लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। अगर मैं अपनी जबानी अगर कहूंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि आप लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया गया था, मैं अपनी जबानी कहूंगा कि किस नेता ने, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, आरिफ नसीम खान साहब हो, अबू आसिम साहब हो, सिर्फ असद भाई ने इजाजत देना, अगला इलेक्शन तो इम्तियाज जलील उनके खिलाफ मुंबई में आके तुम्हारे घर के अंदर लड़के जाएगा और निकाल के जाएगा इंशाल्लाह। हमारी वजह से वहां गए और बोले कौन अवैसी, पप्पा भूल गए। लेकिन मैं यहां जाने से पहले सरकार को यह बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे देखिए, इस मुल्क के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। अगर ये मुल्क को तरक्की करना है तो मुसलमानों को पीछे छोड़कर ये मुल्क कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। अगर हमको इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमारे इन मुसलमान भाइयों की तरक्की के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके जो करतूते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सरकार हमसे कितनी डरती है इसका अंदाजा मुझे कल रात में हुआ।
कि कल रात में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और रात में 12 बजे वो नोटिफिकेशन मुझे भेजा गया। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कितना डरती है। क्या लिखे हैं मालूम नोटिफिकेशन में? बोले मुंबई में ओमिक्रॉन है, तो इसीलिए ओमिक्रॉन की वजह से 11 तारीख यानी कि आज और 12 तारीख ये दो दिन कोई भी धरना कोई भी सभा कोई भी सम्मेलन नहीं होगा दो दिन के लिए, यानी कि 11 और 12 जब हम यहां पर है तो ओमिक्रॉन हम जाते ही सब शुरू अगर आप बोले होते असद भाई इजाजत दिए 13 तारीख के दिन फिर आ जाएंगे गाड़ियां लेके यहां पे, फिर तो रोक नहीं सकते हैं हमारे को। तो ये देखिए कैसी बौखलाहट है कि हमको रोकने के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन रात में 12 बजे निकाला गया कि ये दो दिन के लिए है, तो हम कोई भी सभा को इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का तमाम लोगों का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके सामने पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर डालें और देखें। लगाओ रे इनकी धुलाई करो जरा लगाओ। देखिए गौर से, जो देख नहीं सकते हैं मैं आपको उसके सीडी बनाकर देने वाला हूं। हर इलाके के अंदर स्क्रीन लगाना और खूब चलाना, देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पंजेरी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाई जाती है और खाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये हर उम्र के अफराद के लिए ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर है। आज के मिलावटी दौर में ये एक बेहतरीन बगैर कोई प्रिजर्वेटिव के ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट फूड सप्लीमेंट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल सीजंस। हर उम्र के लोग फैज पिस्ता पंजेरी हर मौसम में खा सकते हैं। फैज पिस्ता पंजेरी एंड ऑर्गेनिक वर्सेटाइल एंड हेल्दी फूड सप्लीमेंट। फैज पिस्ता पंजेरी का ये नायाब तोहफा एक कॉल पर